नमस्कार किसान भैया, साधारण थिप्सम मकड़ी और ब्लैक थिप्सम मकड़ी में क्या डिफरेंस है? तो उसके साथ में जो साधारण थिप्सम मकड़ी होती है वो आकार में छोटी होती है और उसकी जो कार्य क्षमता है वो कम होती है। और वो किसान भैया पत्ती के निचली सतह पर पाई जाती है। पत्ती की निचली सतह को खरोच कर उसमें अंडे देते हैं, जिससे जो पत्ती का आकृति वो नाव की तरह हो जाती है। और किसान भाई उसकी जो अंडे देने की क्षमता है वो 8 से 10 होती है। और किसान भाई यह लोग को बहुत ही नुकसान पहुँचाती है, पर बहुत कम मात्रा में पहुँचाती है किसान में। और दूसरे किसान में जो ब्लैक थ्रिप्सम मकड़ी है, इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है और आकार में जो बड़ी होती है किसान भाई। और यह पौधे की जो पत्तियाँ होती है उस पर बहुत कम आक्रमण करती है, जो पौधे का जो पुष्प होता है उस पर ज़्यादा आक्रमण करती है किसान, जिससे जो फसल होती है वो हरी भरी दिखाई देती है और किसान को लगता है इसमें किसी भी प्रकार का रोग और कीट नहीं है। लेकिन जो पुष्प होता है उसके अंदर किसान भी यह अपने अंडे देती है, और किसान भी उसके अंडे देने की क्षमता साधारण थ्रिप्सम मकड़ी की तुलना में बहुत ही अधिक है। किसान भी यह एक बार में 40 से 45 अंडे देती है किसान भाई। और किसान भाई इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है किसान भाई। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको 4-5 जो केमिकल है उनका अलग अलग करके छिड़काव करना चाहिए किसान भाई। एक तो है इमिडाक्लोपिड, फिप्रोनिल, किसान भाई स्पाइमटोरम, और किसान भाई आपको थायोमिटोक्जेम और नीले और पीले ट्रिप का प्रयोग करना है प्रति एकड़ 8 से 10 किसान भाई। कैसी लगी जानकारी किसान भाई? ऐसी खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी के लिए स्मार्ट फार्मर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।